हमारे साथ है महाराष्ट्र राज्य बीजेपी प्रवक्ता शैलेश जी पांडे, उनसे मैं पूछना चाहूंगी। शैलेश जी, 1 जून को जो है वाराणसी के उम्मीदवारी का चुनाव होने वाला है, वहाँ पे नरेंद्र जी मोदी हमारे पंतप्रधान है वो खड़े हैं, तो वहाँ का क्या माहौल है, वहाँ की क्या स्थिति है? वहाँ की स्थिति बहुत ही अच्छी है, क्योंकि देखिए देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब 2014 में उत्तर प्रदेश के काशी से संसदीय लड़ने के लिए जब आए तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो उन्होंने फिर से एक बार कहा कि क्योंकि उनकी जो सगी माँ थी वो अभी कुछ ही समय पहले वो देहावसान हुआ, तो उन्होंने उनके मन से ये वक्तव्य दिया कि लगता है कि मुझे माँ गंगा ने गोद ले लिया है। तो नरेंद्र मोदी जी का जो भावनात्मक जुड़ाव है वो काशी से है, माँ गंगा से है और काशी नगरी से है। देखिए काशी को जिस तरह से उन्होंने सजाया है, सवारा है, जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, जो वहाँ की विरासत के गौरवशाली प्राचीन इतिहास को ज्वलंत किया हुआ है, वो देखकर काशी की, उत्तर प्रदेश की जनता गदगद है। भारत की जो विरासत है, भारत की संस्कृति है, भारत का गौरव है, सभ्यता है, उसको एक नए आयाम पर ले जाने वाले पहले प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी जी हैं। आप मुझे बताइए, किसी ने सपने में भी सोचा था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मभूमि अयोध्या में 500 वर्षों के बाद मंदिर का निर्माण होगा? सब आशा लगा कर बैठे थे, सब प्रार्थना कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल ने तो, हमने तो आंदोलन किया, पूरा जीवन संघर्ष किया हमने, और संघर्ष के बाद भी हमें तो आशा थी कि भगवान का जल्द से जल्द हम मंदिर बनवाएंगे। लेकिन जो विपक्ष के लोग थे वो हमेशा बोलते थे तारीख कब बताओगे, टिप्पणी करते थे, और कांग्रेस की जो भूमिका रही है वो तो आप लोगों ने देखा ही है कि कांग्रेस ने तो हलफनामा दायर किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम सेतु का अस्तित्व ही नहीं है। फिर कोई कहता था मंदिर की क्या आवश्यकता है, अस्पताल बनवा दो, कोई कहता था कि यूनिवर्सिटी बना दो, कोई कहता था कि मंदिर से पेट थोड़ी नहीं भरता। लेकिन देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, उनके शुभ हस्तों से 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण यशस्वी रूप से आज अयोध्या जी में हुआ। पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में महादिवाली मनाई गई, ये सभी भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए बड़ा ही गौरवपूर्ण दिवस रहा। आज महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में पंढरपुर विठ्ठल रखुमाई को हम सभी लोग अपना दैवत मानते हैं, तो उस मंदिर का भी जीर्णोद्धार, पुनरोद्धार, सुशोभीकरण का काम शुरू है। और हमारे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो 350 से ज़्यादा गढ़ किले हैं, उन गढ़ किलों के संवर्धन का काम, सुशोभीकरण का काम इस वक्त नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र में शुरू है। जो है वो बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है, अगर तीसरी बार पंतप्रधान अगर नरेंद्र मोदी जी हो गए तो हमारा जो संविधान है भारत का वो खतरे में आएगा, तो उसके बारे में मोदी जी ने मीडिया के सामने आकर स्पष्ट तौर से कह दिया है कि इस देश का संविधान कोई माई कालाल खत्म नहीं कर सकता। यहाँ तक कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी जी आ जाए तो वो भी देश का संविधान खत्म नहीं कर सकते। और मोदी जी संविधान की सुरक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए मर मिट जाएंगे, लेकिन देश के संविधान को हाथ नहीं लगाने देंगे। लेकिन मैं आपकी चैनल के माध्यम से कांग्रेस की पार्टी को बताना चाहूंगा, देश की जनता को बताना चाहूंगा, आज जो ये ऊट पटांग की बात कर रहे, जो अफवाह उड़ा रहे, जो भ्रम की बात किए पूरे चुनाव के दौरान, सही मायने में संविधान को खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी और NDNI से किया। जितने भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुए कुल 110 बार संविधान के अंदर संशोधन किया, बदलाव किया। तो ये संविधान में बदलाव, संशोधन, ये संविधान के खिलाफ किसने काम किया? कांग्रेस पार्टी ने काम किया। 75 में जब इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी तब देश का संविधान नहीं खतरे में आता? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर कहां लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में स्पष्ट तौर से लिखा है कि
धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। संविधान को पूरे जिंदगी भर कांग्रेस पार्टी ने खतरे में रखा और अब देश की जनता जा चुकी है। अब आपको ऐसा कोई मौका नहीं देगी कि आप संविधान के साथ छेड़छाड़ कर पाओगे, क्योंकि अब देश का जो नेतृत्व है वो फौलादी हाथ नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। अब देश घुस कर मारता है, देश अब सर्जिकल स्ट्राइक करता है, देश अब एयर स्ट्राइक करता है। अब पहले तो इनके जमाने में जब देखो यहाँ बम स्फोट हो रहा है, वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही है, आज भी नहीं 10 साल में एक भी जरा गतिविधि हुई तो बताइए। हमारी रानी अहिल्याबाई होलकर जी, उनके बाद पहला कोई प्रधानमंत्री है आज़ाद भारत का जो पूरे देश के प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, जो प्राचीन हमारी संस्कृति है उसका उत्थान कर रहे और भगवान राम के भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण करवाए। इसलिए मैं इन्हें तो एक सनातन योद्धा के रूप में मानता हूँ। और गरीब सबसे ज़्यादा काम अगर इस देश में गरीबों के लिए हुआ और किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने। 25 करोड़ से ज़्यादा जो बेचारे गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते थे, उनको उनके जीवन में गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम, 25 करोड़ कोई मामूली आंकड़ा नहीं होता है, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया। आज देखिए 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अनाज दे रहे हैं, 53 करोड़ से ज़्यादा लोगों का अकाउंट खुलवाए, जनधन अकाउंट, जिसके अंदर आज सीधे उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो रहा है, सारी बेनिफिट डिविटी जा रही है जिससे वो उनका जीवन यापन हो रहा है। 10 करोड़ से ज़्यादा गरीबों के यहाँ गांव और शहरों के भागों में शौचालय का निर्माण कराया। 11 करोड़ से ज़्यादा जिनके पास मकान नहीं था, हम कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, रोटी तो दे रहे 80 करोड़ लोगों को, अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है कोविड के बाद से लेकर अब तक और अगले 5 साल तक दिया जाएगा, और मकान दिया है 11 करोड़ गरीबों को जिनके सर पे छत नहीं था। आज मुझे बताइए जिन माँ बहन बेटियाँ धुएं के अंदर उनकी आंखें ख़राब हो जाती थी, लकड़ियाँ जलानी पड़ती थी और धुआं लगता था, आज उनको सब्सिडी के रेट पे उज्ज्वला दिया 11 करोड़ माताओं बहनों को, क्या आज उनका आशीर्वाद नहीं? आज वो सभी धर्म के सभी जात के सभी भाषा के सभी प्रांत के, आज महिलाओं के लिए विशेष तौर से नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम लाकर लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने, सबसे बड़ा महिला सक्षमीकरण अगर किसी ने किया तो और उसी नारी शक्ति को राहुल गांधी क्या कहते हैं कि इस देश में हिंदू जिसे शक्ति कहते हैं मैं उस शक्ति को खत्म कर दूंगा। एक तरफ जो सारी सुविधाएं मिल रही है, जो हमारे सारी योजना है, सारी योजना विरासत और विकास की गंगा नरेंद्र मोदी जी ने बहाई, तो इसलिए वो 400 पार भी जाएंगे और एक बार फिर से वो काशी के सांसद बनकर फिर से दिल्ली में प्रधानमंत्री बनेंगे और ये देश की जनता, क्योंकि उस जनता का दिल जीतने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए वो फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे जी, उनसे मैंने बात की। उनका ये कहना है कि मोदी जी का जो 400 पार का नारा है वो पार हो जाएगा। आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट उनका सावन के साथ मैं शैली साके एमबी डॉट।